मैं लारू थोड़ी देर आगू देख रहे। जय श्री राम सभी को। आज हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं फिर से, क्योंकि पिछली बार मम्मी का पर्चा बन गया था तो पैसी गया। आज मम्मी को 2100 मंगलवारों की पैसी दी गई है, तो मंथ में एक बार पैसी करने जाना ही पड़ता है। यह हमारी पहली पैसी है। बोले गे हेलो, अरे करूं तो के तू सांस ले। देखी बोल रही कौन बोल रही हो? ठीक है ना, हैं? हाँ रिक क्या करते हैं तुम? टेंस ना लेते हैं, बहुत बेजन था पड़े। देखा क्या? आज दिन तेरे 15 डे पड़े हैं, तो 5 का टोटा पड़े हैं। नहीं बोल रही हूँ, आज भी रहे मुंह के। ठीक ठीक। ये देखे हो इन आप ही दी बोल तो बहुत बढ़िया। नींबू उतना तो नहीं है, यहीं पे दरबार लगता है। वो दरबार मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से चारों तरफ बड़ी सारी परिक्रमा है, वहीं से होती है। अब कुछ देर में दरबार भी लगने वाला है। पीछे रह गया हूँ क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिली अंदर, लेट कर दी मैंने जाने में। अभी अपने रूम पे आ गया हूँ वापस, तो मम्मी का वेट करूँगा यहीं पे ही। ये रूम है, यहाँ पे किराए पे इतना सा ही रूम मिलता है, वो भी 500 रुपये किराया लेते हैं। यहाँ पे सभी लोग सुबह से ही फेरी लगा रहे हैं, कई रात को ही लगाने लग जाते हैं क्योंकि मंगलवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सुबह नहा धो के हम इसी के दरबार में आ गए यहाँ पे। जिनका पर्चा पहले बन चुका था उनकी आज पैसी है मंगलवार की, तो कुछ देर में गुरु जी आते हैं, उनकी पैसी भी लगाएंगे। रात को लेट तक दिव्य दरबार लग रहा था, इसलिए गुरु जी को आने में लेट हो गई है। हम सब बैठे वेट कर रहे हैं उनका। बोल तो रहे हैं कि कुछ ही देर में आएंगे, कुछ ही देर में आएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट की गई है कि गुरुदेव आने वाले हैं, तो अभी इंतजार खत्म हो गया होगा। आप सभी देख सकते हैं अभी गुरुदेव आ गए हैं, वो हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं थोड़ी। तो
ठीक है दादा चलो।